हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी नेटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डोरी बनाना बताऊंगी। बिना सलाई, बिना क्रोशिये की मदद के डोरी हम किसी भी अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले जिसमें हमने डोरी डालनी है हम उसका नाप लेंगे। ये देखें, इस प्रोजेक्ट में हमने डोरी डालनी है तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। देखें, ये हमें 13 इंच इसका नाप है। अब देखें आगे हमने डोरी कितनी बड़ी रखनी है, तो इसमें हमने ये देखें 7 इंच या 8 इंच तक की डोरी दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखनी है। तो 13 इंच ये और 8 इंच के हम रखते हैं तो उसमें बल वगैरह आ करके वो जो है 7 इंच के करीब रह जाएगी। तो 16 इंच और 13 इंच 29 इंच, तो 30 इंच हम इसे ले लेते हैं। ये देखें, इस तरह से हम उनको नापेंगे 30 इंच। ये देखें इस तरह से ये हमने 30 इंच उनको नाप लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको 8 गुना कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये जैसे 2 हो गए, फिर एक बार और ऐसे नापेंगे 3, एक बार और। ये देखें ऊन के हमारी 8 लेयर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये देखें इसको खोल करके हमने 4 तय करके ले लिया है। अब इसको एक जगह से हम किसी चीज में फंसाएंगे और दूसरी तरफ से हम बल चढ़ाएंगे। ये देखें, अब इसे हम बल चढ़ाना शुरू करते हैं। ये इस तरह से भी इस पे बल चढ़ा सकते हैं। पहले हम पूरे इस पे बल चढ़ा लेते हैं। अब ये देखें पूरी तरह से ये बल हमने चढ़ा लिया। दूसरा सिरा भी हम अपने पास ले आए और बीच में से हमने इसे अटका दिया। ये देखें, अब हम पहले इस तरफ बल दे रहे थे, अब इस तरफ हम इसको घुमा देंगे। ये देखें इस तरह से ऐसे, और यहां पर ये जो हमारा खुला सिरा है यहां पर हम इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखें इस तरह से, अब इसमें हमने नॉट लगा दी यहां पर, और ये वाला सिरा हमारा बंद वाला सिरा है। ये देखें, ये बंद करके हमारी डोरी तैयार हो गई है। अब इसके लिए हम फुंदने बनाते हैं कि इस वाली डोरी में हम फुंदने कैसे लगाएंगे। अब ये डोरी में लगाने के लिए हम टसल बनाएंगे। टसल के लिए हमने ये जो कार्ड लिया है, ये देखें 5 इंच की हाइट का है, लगभग 5 इंच की हाइट का है। इसके ऊपर हमने टसल बनाना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये ऊन का एक सिरा हमने लेना है, ये देखें, और इसके ऊपर हमने 25 बार इसको लपेटना है। ये देखें इस तरह से, ये एक सिरा हल्का सा बड़ा करके पकड़ लेते हैं। ये देखें, ये एक बार हो गया, से फिर 2 बार 3 बार, इसी तरह से ये हम 25 बार लपेट लेते हैं। ये देखें 25 बार हमने लपेट लिया है, 25 टाइम। अभी ये सिरा हमारे पास इधर है, ये 25 बार लपेट के अब हमने क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। ये इधर से पकड़ेंगे। अगर आप इस तरह से सिक्योर ना रख सके तो जब ये इस पर डला हुआ है तो इसको दोनों तरफ से हम दूसरी ऊन से बांध भी सकते हैं। ये देखें, ये हमने जो नॉट लगाई थी, ये जो नॉट है इसको हल्का सा हम अपोजिट साइड में ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये थोड़ी सी इसमें जगह बना करके और ये सारे धागे हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये देखें इस तरह से ये डाल दिया, इसको बीचों बीच में ले आएंगे। ये देखें इस तरह से,
ये बीचों बीच में आ गया, ये इस तरह से। अब लगभग इसको हमने एक हाथ लंबा ऊन को कट कर लेना है, ऊन को एक हाथ लंबा कट कर लेंगे, 30-35 इंच तक इसको कट कर लेंगे। ये देखें इतनी ऊन हमने कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नॉट यहां पर लेंगे, इसको यहां पर हमने सिक्योर करना है। इसको यहां पर सिक्योर कर देंगे, ये देखें इस तरह से। बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, बस एक नॉट लगा ली हमने और इसको एक आध बार यहां पर लपेट देंगे। अब ये देखें धागा हमारे पास ये रहा, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक नॉट लेनी है थोड़ी सी दूरी पर। ये देखें ये इस तरह से, ये अब यहां पर हमने इसको ये देखें इस तरह से खींच लेने और अपोजिट साइड से इसको लपेट लेना है। ये देखें इसको अब हम सिक्योर करेंगे, थोड़ा ज्यादा बार इसको अब हमने लपेटना है। ये देखें इसको हमने लपेट लिया और दूसरे सिरे में हमने सुई को डाल लिया। एक बार इस तरह से हम ला करके ये नॉट और लगाएंगे। ये देखें ये हमने इसको अच्छी तरह से सिक्योर करना है, फिर अपोजिट साइड से ले जा करके ये देखें फिर से एक नॉट लगाएंगे। ये देखें अब ये इस साइड से हम खींचेंगे और अब ये देखें इसके यहां पर हम बीचों बीच में इसको डाल करके और निकाल देंगे सुई से। ये देखें इसको यहां पर हमने सिक्योर कर देना। इसको हमने सिक्योर कर दिया यहां पर, एक बार और ऐसे बीच में से निकाल देंगे। ये देखें और ये जो हमने लपेट लगाई थी ये इसके अंदर से हमने बाहर कर दिया और ये देखें इस तरह ये अब सिक्योर हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। सबसे पहले ये हम सुई वाला धागा काट देते हैं, इसे हटा देते हैं। 10 इंच के करीब हमारे पास सुई में धागा बच भी गया तो ये ज्यादा ना लेकर के आप 15-20 इंच के करीब ही इसको धागे को सुई में लेना। ये देखें इस तरह से हो गया। अब ये हमने बराबर कर देना है। ये जो हमारे एक्स्ट्रा ये देखें बड़े छोटे धागे नजर आ रहे हैं, इनको काट करके हमने बराबर कर देना। और अब ये देखें डोरी में हमने एक तरफ टसल अपना लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रोजेक्ट में हमने डोरी डालनी है दूसरी तरफ से हम डोरी पहले उसमें डालेंगे। अगर तो ये टसल हम कम थिकनेस का बनाते तब तो हम इसमें दोनों तरफ टसल लगाने के बाद भी डाल सकते थे, पर फिर भी थोड़ी असुविधा होती, इसलिए हमने पहले एक तरफ टसल लगा लिया है डोरी में और अब ये डोरी हम अपने प्रोजेक्ट में डाल लेंगे। ये देखें एक तरफ से डालेंगे और ये दूसरी तरफ डोरी को हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो पिन की हेल्प से भी इसे डाल सकते हैं। ये देखें डोरी हमने डाल ली है, अब दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह का टसल लगाना है। ये देखें 25 बली इस पर हमने ये देखें 25 बार लपेट करके हमने रख लिए। ये देखें इसको उतारेंगे हम। आप चाहें अगर इस तरह से हैंडल ना कर पाए तो पहले सुई में धागा डाल करके ये दोनों तरफ से इसको सिक्योर कर लें उसके बाद उतारें। ये देखें इस तरह से हमने, अब ये देखें फिर से वैसे ही हल्का सा ये डोरी को हम अपोजिट साइड घुमाएंगे। ये देखें इस तरह से जगह बन गई। अब इसमें से ये हम निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से ये निकाल लिया हमने, फिर से इसको छोड़ देंगे। ये देखें अभी इसको हम पकड़ेंगे एक हाथ से, ये बराबर हमने कर लिया। अब फिर वैसे ही जैसे हमने
ऊन को कट कर कर और यहां से सिक्योर किया था और फिर यहां से सिक्योर किया था, इसी तरह से सिक्योर कर लेंगे जैसे हमने इस वाले टसल में किया था और फिर यहां से इसको कट कर देंगे। अब ये देखें दूसरा टसल भी ये हमने वैसे ही बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को इस तरह से रखेंगे और ये इस तरह हम पकड़ेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारे धागे हैं उनको हम कटिंग कर देंगे। ये देखें जो बड़े छोटे धागे हैं उनकी हम कटिंग कर लेंगे ताकि दोनों टसल हमारे बराबर नजर आए। ये देखें फ्रेंड्स डोरी हमारी टसल्स के साथ बन करके तैयार है। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा डोरी का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।